राम राम सारे भाई ने आज मेरा 75 बार चैलेंज के 170 मार दिन। सबसे पहले मैंने सुबह उठकर 1 लीटर गर्म पानी पिया, उसके बाद फ्रेश होकर मैं चल दिया वर्कआउट करने के लिए। सबसे पहले मैंने मारे स्पाटे, उसके बाद फिर मैंने मारी डंड, उसके बाद फिर मैंने मारी डिप्स, उसके बाद फिर मैंने देसी बैठक मारी, उसके बाद फिर मैंने मारी सुमो स्क्वाट, उसके बाद फिर मैंने बीम मार के मैंने आज का मॉर्निंग का वर्कआउट किया खत्म। उसके बाद फिर नहा धोकर खाना खाकर उसके बाद फिर मैं गया हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में। आज अपना रेड क्रॉस का कैंप का चौथा दिन था। कॉलेज में जाने के बाद उसके बाद फिर गए ऑडिटोरियम रूम में, वहाँ पर हमारा CPR के बारे में लेक्चर दिया सर ने हमको। अब आपका सवाल होगा कि CPR होता क्या है। CPR अगर किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन कम हो जाती है या बंद हो जाती है उसको हम CPR देते हैं। तो इसकी कंप्लीट वीडियो मैं अपने चैनल पर कल अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद फिर हुई स्पीच, वहां पर ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया गया, उसके बाद फिर उस टॉपिक पर उन्होंने बोला, उसके बाद फिर हुआ डिबेट, उसके बाद फिर हम गए खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर खाना खाने के बाद वापस आने के बाद उसके बाद फिर हुआ डांस, उसके बाद फिर हमने ऐसा डांस किया हमने पूरे कॉलेज को ही नचा दिया। उसके बाद फिर हम आए कॉलेज से गए घर पर। आने के बाद मैंने अपने शाम का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने 15 से 20 मिनट की मैंने छत पर रनिंग, उसके बाद फिर मैंने मारे सूट फुल स्पीड से, उसके बाद फिर मैंने मारी गुटमा, उसके बाद फिर मैंने मारी डंड, उसके बाद फिर मैंने स्पाटे मार के मैंने आज का शाम का वर्कआउट किया खत्म। उसके बाद फिर नहा धोकर खाना खाकर बाद फिर मैंने पढ़ी गीता। आज हमने गीता में सीखा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है, याद रखना है, इसमें किसी को समान नहीं करता। उसके बाद फिर मैंने किया पानी का टास्क कम्प्लीट। ये रही आज की सेल्फी, आज के हमारे सभी टास्क कम्प्लीट। बोलो जय श्री राम।